नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों के लिए आवश्यक सूचना। नव नियुक्त शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश आया सामने। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोड़म की रिलीज डेट आई सामने। आधार कार्ड में इस जानकारी में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं बदलाव। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज बने नंबर वन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI में मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की ओर से मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर के 42 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवम्बर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों के लिए आवश्यक सूचना। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों के लिए एक आवश्यक सूचना दी गई है, जिसके तहत यह बताया गया है कि फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे कि मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ मर जाते हैं। इसके अलावा जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम है, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं और इसका परिणाम यह निकलता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में फसल की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसलों के अवशेष पुआल भूसा आदि को जलाने के बदले खेत की सफाई करने हेतु बेलर मशीन का उपयोग करें और अपने फसलों के अवशेष को खेतों में जलाने के बदले उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं या मिट्टी में मिलाएं अथवा पलवार विधि से खेती कर मिट्टी को बचाएं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गिरिहिंडा पर्वत के बारे में। गिरिहिंडा पहाड़ शेखपुरा जिले की पहचान है। गिरिहिंडा पर्वत लगभग 800 फीट ऊंचा है। इसी पर्वत की चोटी पर शिव पार्वती मंदिर स्थित है, जिसे बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत काल में इसी गिरिहिंडा पर्वत के शिखर पर हिडिंब नामक राक्षसी रहती थी। जब पांडव पुत्रों को वनवास काल सहना पड़ा तो अर्जुन के बड़े भाई गद्धारी भीम कुछ समय के लिए गिरिहिंडा पर्वत पर ही रुके थे। इसी दौरान उन्होंने हिडिंबा से गंधर्व विवाह भी किया, जिससे घटोत्कच नामक राक्षस का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार गदाधारी भीम ने ही गिरिहिंडा पर्वत पर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान शिव के आदेश के बाद विश्वकर्मा जी ने रातों रात इस मंदिर का निर्माण किया, जो बाद में शिव पार्वती मंदिर या बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना गया। मान्यता है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मनवांछित फल मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। खासकर सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के दौरान मंदिर में पूजा करने का भी विशेष महत्व है। आधार कार्ड में इस जानकारी में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं बदलाव। आज के समय में आधार कार्ड हमारे लिए न सिर्फ हमारा एक पहचान पत्र बल्कि इससे काफी बढ़कर बन गया है। इसके बिना हम सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते और साथ ही कई ऐसे काम भी हैं जिसके बिना हम नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार हमें अपनी जानकारी को आधार कार्ड में अपडेट करनी जरूरी होती है, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती है जिसे केवल एक बार ही बदलवाया जा सकता है और वो है आपका डेट ऑफ बर्थ और लिंग, जिसे आप केवल एक बार ही बदलवा सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें नाम की तो इसे आप दो बार बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम तीसरी बार बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड में अपने घर का पता कई बार बदलवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो यह काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से पूरे कर सकते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश आया सामने।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बीते दिन नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया गया है। इसको लेकर उनके द्वारा राज्य के सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बीपीएससी से नवनियुक्त अध्यापकों को 2 नवंबर को औपबंधिक रूप से नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका विद्यालय में शीघ्र ही योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच विद्यालय अध्यापकों को योगदान सुनिश्चित करें। योगदान में सावधानी बरते और समझ लेने की क्या विद्यालय में योगदान करने वाले अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, क्या यह वही व्यक्ति है जिन्हें 2 नवंबर 2023 को अपबंधित मेधा सूची नियुक्ति पत्र दिया गया था। सावधानी सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से आप यह कार्य 21 नवंबर तक समाप्त कर ले ताकि छठ पर्व के बाद जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन का कार्य शुरू हो सके। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दिया अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L को लेकर एक अपडेट सामने आया है जो कि इसरो के द्वारा ट्वीट कर शेयर किया गया है। इसरो ने लिखा है कि HEL-1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की। 29 अक्टूबर 2023 को लगभग 12 से 22 यूटी तक अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर ज्वालाओं के आवेगी चरण को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया गया डेटा NOAA के GOES द्वारा प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश वक्रों के अनुरूप है। 7 अक्टूबर 2023 को कमीशन किया गया है कि HEL-1OS वर्तमान में थ्रेशहोल्ड और कैलिब्रेशन संचालन को ठीक करने के दौर से गुजर रहा है। यह उपकरण तेज समय और उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए सेट किया गया है। HEL-1OS डेटा शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान विस्फोटक ऊर्जा रिलीज और इलेक्ट्रॉन त्वरण का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। HEL-1OS को UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो बेंगलुरु के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम की रिलीज डेट आई सामने। बिहार के लाल और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जोरम को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि मनोज बाजपेयी के इस फिल्म को फैंस के द्वारा काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब मनोज बाजपेयी की यह फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल फिल्म के निर्माताओं के द्वारा फिल्म जोरम के रिलीज डेट का खुलासा कर दिया गया है, जिसके तहत यह फिल्म 8 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। वहीं इसके अलावा मनोज बाजपेयी के द्वारा भी एक्सपर्ट जो कि पूर्व में हुआ करता था उस पर फिल्म का एक मोशन वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि द मैन ऑन द रन 8 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा तनिष्ठा चटर्जी और राजश्री देश पांडे जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म ने सिडनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बुसान फिल्म फेस्टिवल, एडिनबर्ग फिल्म समारोह और डरबन फिल्म फेस्टिवल जैसे कई बड़े कार्यक्रम में वाहवाही लूटने का काम किया है। KK पाठक ने 5 शिक्षकों के वेतन पर लगाई रोक, 2 हेडमास्टर भी किए गए सस्पेंड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा आमस प्रखंड के उच्च विद्यालय आमस और शिव बालक बालिका प्रोजेक्ट विद्यालय में 3 नवंबर को निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने के कारण इन दोनों विद्यालयों के सभी शिक्षकों और उच्च विद्यालय आमस के प्रधानाध्यापक को निलंबन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान शिव बालक पालिका प्रोजेक्ट विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति काफी कम थी। विद्यालय का शौचालय गंदा था। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बिना किसी वरीय पदाधिकारी का आदेश दिए छुट्टी पर चली गई थी, इसलिए छात्रों की 75% उपस्थिति के साथ ही जब तक विद्यालय का सही ढंग से संचालन नहीं किया जाएगा तब तक 5 शिक्षक और प्रधानाचार्य के वेतन पर रोक लगा दी गई है। वहीं उच्च विद्यालय आमस के निरीक्षण के दौरान कक्षा 9 और कक्षा 10 में एक छात्र भी उपस्थित नहीं पाए गए, जबकि विद्यालय में सभी शिक्षक उपस्थित थे, लेकिन विद्यालय में कमरे होने के बावजूद छात्रों को सस्पेंड करना गलत है। NIT पटना में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा अधीक्षक, तकनीकी सहायक, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट के 47 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट nitp.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है।
इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण या स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 27 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी की गई अधिसूचना को जरूर देखें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव का जन्म आज ही के दिन 1989 में हुआ था। यह एक राजनेता तथा वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। वह बिहार विधानसभा में राघोपुर से विधायक हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी के पुत्र हैं। वे एक क्रिकेटर भी हैं। एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में वह दिल्ली डेयर डेविल्स और झारखंड क्रिकेट टीम में थे। तेजस्वी यादव को महज 26 साल की उम्र में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मिल चुका है। तब वह 1.5 साल तक नीतीश कुमार की 2015 वाली सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुखर नेता और देश के सबसे युवा विपक्षी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। बता दें कि दिनांक 10 अगस्त 2022 को पुनः बिहार के वह उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने स्कूल की क्रिकेट टीम में खेला और 13 साल की उम्र में एक ऑलराउंडर के रूप में दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम के लिए चुने गए। खेल में करियर बनाने के लिए उन्होंने 10वीं कक्षा में अपना स्कूल छोड़ दिया और अंततः उन्हें दिल्ली की अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। तेजस्वी यादव को उसी वर्ष के अंत में विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए स्टैंड बॉय खिलाड़ियों की सूची में भी चुना गया था। तेजस्वी यादव को 2020 और 2021 में इंडियन एक्सप्रेस 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में चित्रित किया गया था। समग्र शिक्षा के तहत 7% स्कूलों ने ही खर्च की अनुदान राशि। विद्यालयों में बच्चों की सुविधा के लिए मूलभूत संरचना में सुधार करने के लिए अनुदान की राशि दी गई, लेकिन अब तक स्कूलों के द्वारा मात्र 7% राशि खर्च की गई है। ऐसे में अब इन स्कूलों को पटना जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है और साथ ही स्कूलों को नोटिस भी दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूलों को जून में समग्र शिक्षा के तहत अनुदान दिए गए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूलों को 2.5 लाख तक की राशि प्राचार्य को अपने स्तर से खर्च करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में बता दें कि जिन स्कूलों के द्वारा अनुदान की राशि खर्च नहीं की गई है उनको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आगे स्कूल निरीक्षण में किसी तरह की कमी दिखी तो ऐसे प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही प्राचार्य को कारण भी बताना होगा। 10 नवंबर को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कटिहार जिला नियोजन पदाधिकारी अभिजीत चंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को बिहार के कटिहार में कटिहार डेहरिया FCI गोदाम के सामने लेबर सेंटर के मैदान में जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मालूम हो कि इस रोजगार मेला में 3000 सीट पर नियुक्ति होगी। ऐसे में वो लोग जो इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं वह अपने साथ अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र बायोडाटा और फोटो अनिवार्य रूप से लेकर निर्धारित समय पर पहुंचे। हालांकि इस रोजगार मेला में जो भी अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं उनका NCS पर निबंधन होना अनिवार्य है। निबंधन कराने की व्यवस्था नियोजन स्थल पर भी मौजूद रहेगी। इस रोजगार मेला में 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक ITI एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आपत्तिजनक बयान को लेकर CM नीतीश पर मुकदमा दर्ज। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई, जिसका पक्ष विपक्ष के महिला विधायकों के द्वारा जमकर विरोध किया गया था। जिसके बाद बीते दिन CM नीतीश के द्वारा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अपने द्वारा दिए गए उस बयान पर सभी से माफी मांगी गई और कहा गया कि वे अपने शब्द वापस लेते हैं और अपनी निंदा करते हैं। वहीं अब इस बयान को लेकर CM नीतीश के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक अधिकारी की अदालत में दर्ज कराया गया है। मालूम हो कि यह परिवाद अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के द्वारा दायर किया गया है। ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई 25 नवंबर 2023 को होने वाली है। राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। बता दें कि इन दिनों 2 डिग्री तापमान में कमी देखी जा रही। विभाग की माने तो प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम में लोगों को धुंध का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। बता दें कि जिस तरह से प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ा है उसके बाद से तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मौसम का मिजाज शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इस दौरान तापमान में गिरावट देखी जा रही। सुबह के समय राज्य में हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के भागों में हल्के के मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धुंध छाए रहने की संभावना है। पार्सल वैन से 21 कार्टन शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही। इसी कोशिश के तहत बीते दिन गया में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभी चेक पोस्ट NH2 पर वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड से नालंदा जा रहे पार्सल पहुंचाने वाले वाहन से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस संबंध में सहायक उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि तलाशी के क्रम में पिकअप वाहन के अंदर से लगभग 21 कार्टन बरामद शराब किए गए हैं और साथ ही दो तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसकी पहचान इंद्रजीत कुमार और राजेश कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल इस मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। इंटरनेशनल सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार के लाल ने राज्य का नाम किया रोशन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित इंटरनेशनल सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार के आरा और गया जिले के लाल के द्वारा राज्य का नाम रोशन करने का काम किया गया है। दरअसल गया जिले के चाकंद प्रखंड के एक युवक संदीप पाठक के द्वारा साउथ एशियन सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में 98 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता ऊपर के कैटेगरी में सिल्वर पदक अपने नाम किया गया। तो वहीं दूसरी ओर भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के सहजौली गाँव के निवासी मोनू यादव के द्वारा इस चैंपियनशिप में श्रीलंका, नेपाल और मलेशिया के पहलवानों को हरा कर अपने नाम सिल्वर मेडल किया गया। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को लेकर इनके माता पिता और परिजनों के बीच काफी खुशी का माहौल है। अब दूसरे विमानन कंपनियों के लिए खुले दरभंगा एयरपोर्ट के दरवाजे। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब एक तरफा स्पाइसजेट का राज खत्म हो गया है। दरअसल सर्द के वो 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए दरभंगा से स्पाइसजेट की विमान ही सेवा दे सकती थी। ऐसे में अब दरभंगा एयरपोर्ट के दरवाजे सारे विमानन कंपनियों के लिए खुल चुके हैं। वहीं इसको लेकर लोगों को मानना है कि अन्य विमानन कंपनियों के आने से इनके बीच प्रतिस्पर्धा आएगी और स्पाइसजेट कंपनी मनमाने किराए से यात्रियों को राहत देगी। मालूम हो कि वो 3 साल के अनुबंध उड़ान योजना के तहत स्पाइसजेट के साथ सरकार के द्वारा किए गए थे। वहीं अब यह अनुबंध बीते दिन 8 नवंबर 2023 को खत्म हो चुके हैं। हालांकि अब तक किसी अन्य विमानन कंपनियों के द्वारा इसके लिए पहल नहीं की गई है। विधानसभा अध्यक्ष से विजय सिन्हा की हो गई तीखी नोकझोंक। बीते दिन बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा अपना आपा खोते हुए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से उलझ पड़े। बता दें कि यह तब हुआ जब सदन में विपक्षी दल के सदस्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से माफी मांगने को कह रहे थे, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष सदन के नियम को तार तार कर रहे हैं और भाजपा वालों को विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई और कहा कि वे स्पीकर है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता न बने। सभा अध्यक्ष का सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बनना दुखद है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपने दायित्वों की जानकारी नहीं है और विवाद को बढ़ता देख कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सीएम नीतीश के विवादित बयान का बचाव करने पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार विधानसभा में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर तेजस्वी यादव ने उनका बचाव किया। वहीं अब इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किस स्कूल में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है, वो बात उन्हें जनता को सार्वजनिक करनी चाहिए। जहां तक जनता जानती है कि उन्होंने 9वीं भी पास नहीं किया है, तो किस स्कूल में गए और उन्होंने सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई की, जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। ये तेजस्वी यादव के ज्ञान का भी प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा, मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए हैं, हमें नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तेजस्वी यादव जब खुद ही विद्यालय नहीं गए हैं तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया कैसे जाता है। विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, उस भाषा में और उस वल्गैरिटी के साथ नहीं बताया जाता है, जिस तरीके से इस राज्य का मुखिया विधानसभा में खड़े होकर बोला। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज बने नंबर 1।
दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल के द्वारा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पछाड़ कर दुनिया के नंबर वन वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि शुभमन गिल सबसे कम उम्र में आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि गिल ने 24 साल की उम्र में हासिल कर ली। मालूम हो कि सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली के बाद शुभमन गिल वनडे में नंबर एक बल्लेबाज का टैग हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी ताजा वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए 10 विकेट लेने के साथ ही नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं, जबकि कुलदीप यादव 3 स्थान की छलांग लगाकर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के द्वारा भी 3 स्थान का छलांग लगाकर 8वें पायदान पर और मोहम्मद शमी 7 स्थान की छलांग लगाकर 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सन 1236 में मुगल शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या हुई। दिल्ली जल आपूर्ति योजना की औपचारिक शुरुआत 1822 में हुई। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में हुआ। भारत सरकार ने 1947 में सैन्य कार्यवाही दुधारू जूनागढ़ मुक्त कराया। कश्मीर के बडगांव के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में पहला परमवीर चक्र मिला, हालांकि उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण की संस्थान की स्थापना 1954 में की गई। ओबी अग्रवाल 1984 में अमेच्योर स्नूकर में विश्व चैंपियन बने। सन 2000 में उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय कार्यकर्ता और भारतीयता के समर्थक इंद्र विद्या वाचस्पति का जन्म 1889 में हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन महेश्वरी का जन्म 1904 में हुआ। जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मी मल्लर सिंघवी का जन्म 1931 में हुआ। धूमिल प्रसिद्ध हिंदी कवि सुदामा पांडे का जन्म 1936 में हुआ। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी का जन्म 1980 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित गंगानाथ झा का 1941 में निधन हुआ। भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और उद्धारक ढूंढो केशव कड़वे का 1965 में निधन हुआ। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज का 1970 में निधन हुआ। स्वाधीनता सेनानी पूरन चंद्र जोशी का 1980 में निधन हुआ। भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन का 2005 में निधन हुआ। भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हरगोविंद खुराना का 2011 में निधन हुआ। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजय दान देथा का 2013 में निधन हो गया। वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह वेबसाइट युवाओं को उद्यमिता हेतु ऋण देने, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए पंजीकरण करवा रही है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट पूर्णतः फेक है। वेबसाइट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.gov.in है। यूट्यूब में भी मिलेगी चैट जीपीटी जैसा एआई टूल। गूगल अपने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कुछ एआई फीचर्स देने वाला है। फिलहाल इनकी टेस्टिंग चल रही है, जो कुछ यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के पास उपलब्ध है। दरअसल कंपनी क्रिएटर्स और यूवर्स के लिए दो फीचर ऐप में जोड़ने वाली है। इसमें एक चैट बॉट है और दूसरा कमेंट ऑर्गेनाइजर। चैट बॉट की मदद से जब आप कोई वीडियो देखेंगे तो यह आपको उसी टॉपिक से जुड़ी दूसरी वीडियो सजेस्ट करेगा। वहीं अगर वीडियो एजुकेशनल है तो आप क्विज भी कर पाएंगे। दूसरे टूल की मदद से क्रिएटर्स वीडियो पर एक टॉपिक पर आए कमेंट को आसानी से देख पाएंगे, यानी ये टूल सब्जेक्ट के हिसाब से कमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देगा। फिलहाल कंपनी ने यह जानकारी शेयर नहीं की है कि ये टूल सिर्फ YouTube प्रीमियम मेंबर्स के लिए होंगे या फिर फ्री यूजर्स को भी मिलेंगे। कमेंट ऑर्गेनाइजर टूल की मदद से क्रिएटर्स को ये फायदा होगा कि उन्हें सारी कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं होगी और वे इसके जरिए सीधे काम के कमेंट्स को फिल्टर कर पाएंगे। ध्यान दें, केवल पब्लिश कमेंट्स ही टॉपिक के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। ऐसे कमेंट्स जो रिव्यू या ब्लॉग वर्ड का हिस्सा है वे इसमें नहीं आएंगे। बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर मिल रहे ऑफर्स की भरमार। त्योहारों के सीजन को देखते हुए SBI से लेकर HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कार्ड पर कई सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें शॉपिंग पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्सटेंट डिस्काउंट, कैशबैक आदि शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SBI के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर बॉस के प्रोडक्ट्स पर 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो वहीं फ्लिपकार्ट पर 10%, मिंत्रा पर 10% और हायर पर 22.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा
अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो रिलायंस डिजिटल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी से लेकर मेक माई ट्रिप यात्रा इस माई ट्रिप क्लियर ट्रिप एक्सिगो और पेटीएम से फ्लाइट टिकट बुक करने पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कोटक बैंक या HDFC बैंक के कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो कैशबैक और काफी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। दिवाली में प्याज बढ़ा सकती है आम लोगों की कठिनाई। दिवाली से कुछ दिनों पहले ही प्याज की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये देश की महंगाई के दर को 6% के स्तर तक लेकर जा सकता है। बता दें कि अगर हम अभी तक नवंबर महीने में बीते कुछ दिनों की बात करें तो अक्टूबर के मुकाबले प्याज की कीमतों में अब तक 75% की तेजी आ चुकी है। इससे आने वाले दिनों में महीनों में महंगाई दर 6% के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में बदलाव किया जा सकता है। नोमुड़ा एक्सपर्ट के हवाले से ईटी की खबर में कहा गया है कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 5.3% रह सकती है। सितंबर में यह महज 5% थी। इसके चलते नवंबर और दिसंबर में देश की मुख्य महंगाई दर 6% के स्तर को छू सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल, हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी मास्को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला सवाल, बिहार में भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी रंगमंच और लोक कला, ऑप्शन डी समालोचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंगमंच और लोक कला। अगला सवाल, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पटना। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुपौल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, मोहम्मद फहीम, विवेक मिश्रा, उमेश सिद्धदेव, रामचंद्र सिंह, विकास दास, अशोक आर्या, जैसिका गुप्ता, अमित अतीक खान, नीतीश कुमार, अशोक कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वर्तमान की भारतीय क्रिकेट टीम में आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।